हेलो नमस्ते या वेरी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और आज की इस वीडियो में हम ला रहे हैं वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीजेस फ्रॉम बुल्सआई प्रेस, यज्ञ। ये यज्ञ का थर्ड पार्ट है, थर्ड इशू है, जिसका नाम है मौत का सौदागर, जिसका कवर आर्ट किया है दिलदीप सिंह जी ने। यज्ञ इज वन ऑफ द कूलेस्ट एंड मोस्ट फेमस कॉमिक बुक कैरेक्टर प्रेजेंटेड बाय बुल्सआई प्रेस, जहाँ तक कि मुझे याद आ रहा है। एज वी हैड द टॉक विद द पब्लिशर ऑफ बुल्सआई प्रेस मिस्टर रविराज आहूजा, यज्ञ इज वन ऑफ द फास्टेस्ट सोल्ड कॉमिक बुक्स इन बुल्सआई प्रेस। यज्ञ कौन है, उसका कैरेक्टर कैसा है और इसकी जो स्टोरी आर्क है वो थर्ड इशू आने तक पाठकों को कहाँ ले आया है, आइए शुरुआत करते हैं और इन्हीं सब इशूज को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम यज्ञ की बात कर रहे हैं तो इशू फर्स्ट से मैं शुरुआत करना चाहूंगा और मैं बात करना चाहूंगा उसके कवर आर्ट के बारे में। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, इसका हिंदी कवर आर्ट जो है वो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से वन ऑफ द कूलेस्ट कवर आर्ट्स है इन द एंटायर सीरीज। प्रज्ञा पराशर जो कि हमारी कहानी की मेन प्रोटैगोनिस्ट है, उनको दिखाया गया है एज अ कॉमिक बुक क्रिएटर, एज अ राइटर, और उसी के साथ में वो आर्टिस्ट भी हैं, वो राइट भी करती हैं, कहानियाँ भी बनाती हैं। और एक जो एक बहुत अच्छा इसमें कहानी के साथ, जो कैरेक्टर्स के साथ में एक ट्रीटमेंट किया गया है वो है बीइंग अ कॉमिक बुक क्रिएटर, शी इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय हर ओन इमेजिनेशन। और वो इमेजिनेशन जो कि उनकी बनाई हुई हैं, उनके फादर की बनाई हुई हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध कॉमिक बुक क्रिएटर के रूप में इसमें दर्शाए गए हैं, दिखाए गए हैं। और उनकी डेथ के बाद में प्रज्ञा पराशर ने ये संकल्प लिया है कि वो कॉमिक बुक इंडस्ट्री को उसके गोल्डन एरा में पहुंचा के रहेंगी, जैसा एक ज़माना था इन दैट 80s एंड इन द 90s कि कॉमिक बुक की भरमार थी और कॉमिक बुक की धूम मची हुई थी इन द एंटायर इंडिया। उस ज़माने को प्रज्ञा अपने टैलेंट के ज़रिए, अपने आर्ट के ज़रिए और अपनी स्टोरी लाइन्स के ज़रिए वापस पाठकों के दिलों में ज़िंदा करना चाहती हैं। एंड दिस इज़ इट, दैट इज़ द एंटायर स्टोरी लाइन, दैट इज़ द एंटायर मिशन, द एम ऑफ प्रज्ञा, कि वो एज अ कॉमिक बुक आर्टिस्ट ना केवल सफल हो सकें बल्कि अपनी क्रिएशंस को सैकड़ों, हजारों, लाखों पाठकों तक पहुँचाया जा सके। द फर्स्ट टू इशूज ऑफ यज्ञ वॉज बीन मेड बाई नितिन मिश्रा, और हम सभी जानते हैं नितिन मिश्रा के टैलेंट को, हम सभी जानते हैं नितिन मिश्रा की लेखनी को। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही इज़ बिन वर्किंग इन द कॉमिक बुक इंडस्ट्री और उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन राज कॉमिक्स में भी देखने को मिलता है। विद यज्ञ नितिन मिश्रा की जब लेखनी आती है तो डेफिनेटली पाठकों के सामने एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि इसमें एक वेल नोन एक्सपीरियंस्ड राइटर की लेखनी है, उनकी अपनी क्रिएशन है। मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगा कि यज्ञ कॉमिक बुक्स में जिस तरीके से यज्ञ की इमेजिनेशन के जो कैरेक्टर्स हैं हु आर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय राजन इकबाल एंड फौलादी सिंह, महाबली शाका, तौसी और मे बी नागराज वर्जन ऑफ स्नेक मैन, कहीं ना कहीं यज्ञ के थॉट प्रोसेस को दिखाने के लिए हमेशा इन किरदारों को उसके आसपास दिखाया जाता है, जो कि ऑब्वियसली इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं, वो और किसी को दिखाई नहीं देते हैं ना ही सुनाई देते हैं, वो सिर्फ यज्ञ की इमेजिनेशन का पार्ट है। लेकिन उसको दिखाने का ये तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे। और इनको विजुअली दिखाने के लिए भी यज्ञ को जिस तरीके से ड्रॉ किया गया है और उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, लेकिन जब भी ये वाले इमेजिनरी कैरेक्टर्स आते हैं तो इनके ऊपर वो ओल्ड विंटेज कॉमिक बुक्स वाला जो एक डॉटेड जो फील आता है वो टेक्सचर दिया गया है, जो कि इनको बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है, जो कि थर्ड पार्ट तक नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड में ये है। और मैं कहना चाहूँगा कि मैं इससे थोड़ा सा निराश हुआ, मैं चाहता हूँ कि विजुअल अपील उन इमेजिनरी कैरेक्टर्स की वैसी ही रखी जाए जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड में है। अलॉन्ग विद दैट ये भी बताया गया है कि कहानी में हर कोई कॉमिक बुक्स नहीं पढ़ता है, हर कोई कॉमिक बुक्स के प्रति जो ज़माना था, जो प्यार था, जो लगाव था, जो जुनून था, वो 90s के बाद कम होता चला गया, हम सभी जानते हैं। उस फैक्ट को भी इस कॉमिक बुक में बखूबी दिखाया गया है कि कॉमिक बुक्स अब ज़्यादा नहीं पढ़ी जाती हैं, दिखाया गया है कि पब्लिशर्स खुद प्रज्ञा को आगे की कॉमिक बुक इश्यूज बनाने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि कॉमिक बुक्स अब नहीं बिक रही हैं। और इस वजह से एक आर्टिस्ट के मन में चलने वाली जद्दोजहद
को बखूबी इन पेजेस में दर्शाया गया है। जस्ट लाइक द 3-act स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टोरी, द फर्स्ट एक्ट यानी कि द फर्स्ट इशू, उसमें स्टोरी को और उनके कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश किया गया, जो मेन इशू है उसको एस्टैब्लिश किया गया। वी आर अंडरस्टैंडिंग कि कहानी किस बारे में है एंड कहानी आगे जाके किन चीज़ों के बारे में अनफोल्ड होगी। यज्ञ की एंट्री इन द वेरी लास्ट पेज रखी गई है इन द वेरी फर्स्ट इशू, एंड फ्रॉम द सेकेंड इशू, फ्रॉम द सेकेंड कॉमिक बुक, यज्ञ स्टार्ट्स डूइंग हर एडवेंचर्स। यज्ञ इज अ बैड एस कैरेक्टर, शी इज ड्रिवन एंड इंस्पायर्ड बाय इंडियन माइथोलॉजी, लेकिन शी इज नॉट अ गॉडेस फ्रॉम द गुड साइड, शी इज गॉडेस फ्रॉम द बैड साइड, शी इज द गॉडेस ऑफ डीमंस। और जब मैंने यज्ञ को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उसके रियल फॉर्म में देखा, द फर्स्ट नेम दैट केम इन माई माइंड, एंड आई एम प्रीटी श्योर कई पाठकों के दिमाग में भी यही आया होगा शायद, द फर्स्ट नेम दैट केम इन माई माइंड वॉज हेलबॉय। और कहीं ना कहीं आई सॉ यज्ञ गेटिंग इंस्पायर्ड बाय दैट, बिकॉज उसके भी हॉर्न्स निकल आते हैं, हर कंप्लीट बॉडी चेंजेस जस्ट लाइक द इनक्रेडिबल हल्क, वो बड़ी हो जाती है साइज में और उसका मसल साइज बढ़ जाता है, शी बिकम्स स्ट्रॉन्गर, शी बिकम्स वेल इक्विप्ड टू फाइट विद द डीमंस एंड द मॉन्स्टर्स। बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है ये, मुझे अच्छा लगा तरीका। इन द वेरी फर्स्ट इशू लेखक हैं नितिन मिश्रा, चित्रांकन किया है सुशांत पंडा एवं जोहेब मोमिम, जो कलरिंग है वो है नवल थानावाला एलोंग विद प्रसाद पटनायक, जो कि हम सभी जानते हैं दे आर द कूलेस्ट कलरिंग आर्टिस्ट इन इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री राइट नाउ। द सेकंड कॉमिक बुक जहां पे हम कह सकते हैं कि वाकई में यज्ञ ने अपने असली एडवेंचर्स शुरू करे हैं, उसके लेखक भी नितिन मिश्रा जी ही हैं, चित्रांकन किया है द कंप्लीट कलरिंग आर्टिस्ट फॉर द कंप्लीट कलरिंग आर्टिस्ट फॉर दिस सेकंड इशू इज जोहेब मोमिम। कलरिंग करी है नवल थानावाला ने, सुलेख और ग्राफिक डिजाइनिंग करी है मंदार गांगले जी ने, आवरण चित्रांकन यानी कि जो कवर आर्ट है वो है जोहेब मोमिम का, और जो कलरिंग है वो है प्रसाद पटनायक जी की। दिस इज समथिंग जिसके लिए मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था। इंडियन कॉमिक बुक पब्लिकेशन रिक्वायर्स अ फीमेल सुपर हीरो। अगर हम फीमेल सुपर हीरोज की बात करें, इंडियन फीमेल सुपर हीरोज की बात करें, इन इंडिया आई सपोज हमारे दिमाग में सिर्फ शक्ति का नाम आता है, जो कि राज कॉमिक्स पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित की गई थी, और अभी हाल फिलहाल में उसकी कॉमिक बुक्स भी नहीं आती हैं। इट गिव्स मी अ लिटिल बिट ऑफ सैडनेस ये सोचकर के इतने सारे सुपर हीरोज तो हैं लेकिन फीमेल सुपर हीरोज की बहुत कमी है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी समझता हूँ कि हालांकि ये कहना सही नहीं है कि फीमेल रीडर्स नहीं है, गर्ल्स नहीं पढ़ती हैं, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि गर्ल आर्टिस्ट और गर्ल रीडर्स को डेफिनेटली सामने आना चाहिए और अपना जुनून अपना पैशन दिखाना चाहिए। दैट विल एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट एंड एनकरेज द एंटायर पब्लिकेशन कि भाई और सुपर हीरोज, फीमेल ओरिएंटेड सुपर हीरोज भी सामने लाने चाहिए, बिकॉज हमारे पास एक अच्छा ग्रुप है जो कि फीमेल रीडर्स का है। बट अनफॉर्चुनेटली हाल फिलहाल में ऐसा लगता नहीं है, हाल फिलहाल में हमें यही दिखाई देता है कि मैक्सिमम द मेजॉरिटी ऑफ रीडर्स आर मेल ओरिएंटेड, जो कि थोड़ा सा दुखद है। अगर यज्ञ की बात करें, यज्ञ इज अ कैरेक्टर दैट इज इंस्पायर्ड बाय इंडियन माइथोलॉजी, शी इज अ डीमन गॉडेस। और जब मैंने यज्ञ को पढ़ना शुरू किया और जब तक मैं सेकंड इशू तक आया, जो उसका सेकंड अंक है उस तक आया, कहीं ना कहीं मेरे जहन में जो पहली इमेज आ रही थी देवी की, जो कि वर्जिन कॉमिक्स के द्वारा प्रकाशित की गई थी ऑलमोस्ट लाइक 15-16 ईयर्स अगो आई सपोज, देवी वॉज वन सच कैरेक्टर जिसने मेरी होप्स को बहुत हाई बार पे पहुंचाया था, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू सी फीमेल, इंडियन फीमेल किक-ऐस कैरेक्टर्स जो कि डीमंस का, मॉन्स्टर्स का सामना कर रही है। जब भी हम किसी फीमेल कैरेक्टर की बात करते हैं, हम भारतीयों के दिमाग में क्या आता है, हम भारतीयों के दिमाग में वंडर वुमन आती है, और हम उसे पसंद भी करते हैं, उसकी मूवीज भी देख लेंगे, थिएटर में भी चले जाएंगे, उसकी कॉमिक बुक्स भी खरीद लेंगे, बिकॉज ऑफ फॉर अस, बिकॉज ऑफ मूवीज एंड मल्टीमीडिया ऑल अराउंड अस, हमारे लिए वंडर वुमन कहीं ज़्यादा भारतीय लगती है। बट कितना अनफॉर्चुनेट है ना कि इंडियन कॉमिक बुक फीमेल कैरेक्टर्स को वो बढ़ावा नहीं मिलता है, और अगर बुलज़ाय प्रेस ये कर रही है तो मुझे लगता है कि हमको इस कोशिश को ना केवल बढ़ावा देना चाहिए बल्कि कॉमिक बुक आर्टिस्ट, राइटर्स एंड पब्लिशर को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए और उनको मोटिवेट करना चाहिए कि और ज़्यादा ऐसे कैरेक्टर्स को सामने लाएँ। फाइनली आइए बात करते हैं द लेटेस्ट इशू, द थर्ड इशू ऑफ यज्ञ, जिसका कवर आर्ट किया है दिलदीप सिंह जी ने। आई थिंक 3-4 डिफरेंट कवर आर्ट्स इसके मार्केट में आ रहे हैं, जिसमें से मैंने पसंद किया दिलदीप जी का आर्टवर्क, और यहाँ से यज्ञ जा रही है इन द हैंड्स ऑफ द वेल नोन सुदीप मेनन। एलॉन्ग विद दैट इसकी इलस्ट्रेशंस भी चेंज हो रही हैं, और एक बार फिर
बुल्सआई प्रेस ये दारोमदार सौंपता है एक न्यू इटालियन आर्टिस्ट के हाथ में जिनका नाम है येदा बिल्विसो। द आर्ट वर्क सीम्स टू बी क्वाइट ऑथेंटिक एज वेल एज प्रॉमिसिंग। जिस तरीके से पहले के आर्ट वर्क रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हीं बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हुए कहानी को आगे बढ़ाया गया है और आर्ट वर्क अच्छा लग रहा है। पॉइंट टू बी नोटेड, दीज कॉमिक बुक्स आर नॉट फॉर स्मॉल किड्स, दीज आर एक्चुअली मेंट टू एंटरटेन टीनेजर्स एंड एडल्ट्स। तो हमें ये ध्यान रखने की बात है और ये खुशी की बात है कि जो लोग आज भी ये बात कहते सुनते मिल जाते हैं कि क्या कॉमिक बुक्स बच्चों के लिए तो आती हैं, ये ऐसा नहीं है। कॉमिक बुक्स सिर्फ बच्चों के लिए नहीं आती हैं, कॉमिक बुक्स हम सभी के लिए अब अवेलेबल हैं और कॉन्टेंट, एक अच्छा कॉन्टेंट अवेलेबल है, एक डायनेमिक कॉन्टेंट अवेलेबल है, तो कोई क्यों ना पढ़े इन कॉमिक बुक्स को। द थर्ड इशू की जो इंकिंग है वो की है जगदीश कुमार जी ने, हम सभी जानते हैं। कवर आर्ट की जो कलरिंग है वो की है संतोष पेलेवाल जी ने। इसकी कैलीग्राफी, इसकी जो शब्द सज्जा है वो की है मंदार गांगले जी ने। एंड द ग्राफिक डिजाइनर इज गौरव गांगले। इसमें अतिथि संपादक हैं नताशा सरकार। एंड ऑफकोर्स द पब्लिशर एंड द मेन एडिटर इज रविराज आहूजा जी। एंड ऑफकोर्स अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू लॉरा ज़िकरी। वेल एज ऑलवेज मैं इस कहानी के कोई भी स्पॉयलर्स आपको नहीं देने वाला हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि फर्स्ट पार्ट से लेके अब तक जिस तरीके से कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है अच्छा लग रहा है। कहानी अभी कहीं से बिगड़ती भी नहीं नजर आ रही है, कहानी अच्छी खासी तरीके से संभली हुई है। एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा और ये मैसेज क्रिएटर्स तक पहुंचाना चाहूंगा, वी एज द रीडर्स वॉन्ट्स टू सी मोर ऑफ एक्शन। ऐसा मुझे लगता है जब हम यज्ञा को देखते हैं विद इज अमेजिंग सोर्ड एंड अ शील्ड, मुझे लगता है कि अगर इतने अमेजिंग कवर आर्ट आप हम पाठकों को देंगे तो हम पाठकों की जो एक्सपेक्टेंसी है वो भी कहीं ज़्यादा ऊपर हो जाएगी। एंड सो देयरफॉर मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी क्रिएटर्स से इंक्लूडिंग द राइटर्स कि एक्शन सीक्वेंसेस को आप बढ़ाइए, बिकॉज अलॉन्ग विद द एक्शन सीक्वेंसेस मेल सर्कल में भी, मेल रीडिंग सर्कल में भी इस तरीके के फीमेल कैरेक्टर्स को ज़्यादा पसंद किया जाएगा। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट टिल द थर्ड पार्ट किसी भी कॉमिक बुक में पेज नंबर्स नहीं दिए गए हैं, और ये मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ बुल्सआई प्रेस में नहीं, ये ऑलमोस्ट जितने भी नए कॉमिक बुक पब्लिकेशंस आ रहे हैं वो पेज नंबर्स नहीं देते हैं। मुझे आई डोंट नो वेदर आई एम बीइंग ओल्ड फैशनड और व्हाट, बट मुझे लगता है कि पेज नंबर देना कहीं ज़्यादा बेहतर रहता है। पेज नंबर होने से हमें याद रहता है कि हम कौन से पेज में थे, और अक्सर कई बार हमें कई रेफरेंसेस ढूंढने होते हैं, सो वी रिमेंबर द पेज बाय द पेज नंबर ऑफ कोर्स। तो अगर वो रखा जाएगा तो दैट विल बी मच बेटर। यज्ञा 3 का अंत आते आते ऑफ कोर्स देयर इज एन अमेजिंग सीक्रेट, एक क्रॉसओवर दिखाया गया है। आई डोंट नो वेदर आई शुड से दिस और नॉट, बट आई प्रिफर नॉट टू। डेफिनेटली इस कॉमिक बुक को पढ़िए, आपको ये कॉमिक बुक अच्छी लगेगी और इसके क्रॉसओवर को ध्यान दीजिएगा, इट्स रियली नाइस। लेकिन जो चीज़ वाकई काबिले तारीफ है वो ये है कि यज्ञा और प्रज्ञा इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में एक बैलेंस रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पाठक प्रज्ञा को जल्दी से जल्दी ओवर करके यज्ञा को देखना चाहता है, कि जल्दी से पन्ने हटें, प्रज्ञा का कैरेक्टर खत्म हो और यज्ञा सामने आए। एज अ रीडर मैं प्रज्ञा की थॉट प्रोसेस को जानने, ये प्रज्ञा की जो लाइफ में जो कुछ चल रहा है उसको जानने में भी इक्वल इंटरेस्टेड रहा, विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड साइन। यूजुअली अल्टर ईगोस की बात की जाए तो एज अ फैन, एज अ रीडर हम बहुत जल्दी जंप करना चाहते हैं, इज़न्ट इट? हम जंप करना चाहते हैं कॉस्ट्यूम पे, हम जंप करना चाहते हैं द रियल डील, द सुपर हीरो लुक पे, लेकिन इसमें प्रज्ञा का कैरेक्टर शुरुआत से जिस तरह से बनाया गया है हमारा इंटरेस्ट उसके कैरेक्टर में, उसके पर्सनल कैरेक्टर में भी उतना ही बना हुआ है। एज एन आर्टिस्ट वो क्या सोचती है, वो क्या चाहती है, उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो किन चीज़ों से एक्साइटेड होती है, किन चीज़ों से उसका दिल दुखता है, ये सभी चीज़ें हमें पसंद आ रही हैं। सो दिस वॉज इट गाइज, दिस वॉज द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी है तो इस कॉमिक बुक को जरूर खरीदिए। द कॉमिक बुक स्पेशली द थर्ड पार्ट इज फॉर 249 rupees, एंड ऑफकोर्स अलग अलग ऑनलाइन स्टोर्स पर आपको ये अलग अलग प्राइसिंग में मिल जाएगी। दिस कॉमिक बुक डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी इन योर कलेक्शन, इसे खरीदिए और हमारे कॉमिक बुक इंडस्ट्री को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियोज विद अदर्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवेंट। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।